जमाई साहब, मुझे लगता है कि हमें जिम की मशीनों के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का लेना चाहिए। अच्छा ऑफर, क्या कहते हैं? दादू, उसकी जरूरत नहीं है। जिनसे हमने मशीनें ली हैं, अगले 6 महीने तक वो फ्री सर्विस करके दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। तब तक ऑफर निकल गया तो आई एम श्योर उसके बाद भी कोई अच्छा ऑफर निकल ही आएगा। नहीं आया तो दादू मैं हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादू, आर्ग्यूमेंट तो जैसे हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गया। आज जिस बात को लेकर हम लोग इतना हंस रहे हैं, पिछली बार वही बात हमारे लिए कितनी सीरियस हो गई। हम पूरे परिवार को हमने परेशान कर दिया, और सबसे ज्यादा अक्षरा, हमारी वजह से उसका बर्थडे भी। सच, हमारी वजह से अक्षरा केक भी नहीं काट पाई। अक्षरा हमेशा अपना बर्थडे बहुत चाव से याद करती, छोटी छोटी बातें याद रहती हैं उनको अपने बर्थडे की, लेकिन जब वो ये बर्थडे याद करेंगे तो बहुत दुखी और परेशान हो जाएंगे। काश जमाई साहब हम ये सारी यादें उसके मन से मिटा पाते। मिटा तो नहीं सकते, लेकिन नई यादें जरूर दे सकते। समझ गया। अरे मुन्ना का फोन है। अच्छा, तू बात कर ले, तब तक हम फूल खरीदते हैं। हाँ बेटा बोल। माँ, आप सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ दान करना था इसलिए मंदिर जा रहे हैं। ओ छोटी दुल्हन, हमने नारियल नहीं लाया क्या? मैं मुन्ना से बात करके अब क्या। हाँ हाँ, तू बात कर। हाँ बेटा बोल, तू कुछ कह रहा था? अब माँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बोल। मैंने और दादू ने मिलकर अक्षरा के लिए कुछ प्लान किया है। हम व्यू गार्डन में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। अब माँ, अभी 2 घंटे हम लोग सारी तैयारियाँ कर लेंगे। आप सब लोग बस मंदिर से सीधा वहीं आ जाइए, और देखिए अक्षरा को इस बारे में कुछ मत बताइए। ठीक है बेटा, हम यहाँ से सीधा पार्क में ही आ जाएंगे। माँ लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ मुन्ना, नहीं चलेगा बहू को पता। थैंक यू माँ, बाय। अच्छा बेटा, क्या कह रहा था मुन्ना? मुन्ना कह रहा था कि उसने और शौर्या ने मिलके आज बहू के जन्मदिन का आयोजन किया है। हाँ, भाभी माँ खास पार्क में, हमें भी यहीं से वहीं जाना है। और मुन्ना जोर दे के कह रहा था कि बहू को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मुन्ना बहू को लेकर सीधा वहीं आएगा। कितने बजे रखा है? 6:30 बजे का। ओहो शौर्य, आज तो मुझे स्कूल में लेट हो जाएगा। अनन्या का ड्रेस रिहर्सल है ना? वर्षा आज रहने दो ना। मैं कैसे दूं शौर्य? अरे रिहर्सल ही तो है, कॉम्पिटिशन थोड़ी है। शौर्य अगर वो रिहर्सल नहीं करेगी तो कॉम्पिटिशन में परफॉर्म कैसे करेगी? ओहो तो ठीक है, तुम सीधा वहीं आ जाना। ओके ठीक, बाय बाय। दादू मैंने माँ से बात कर ली, वो सब लोग मंदिर से सीधा वहीं आ जाएंगे। सब मतलब? माँ, भाभी माँ, अक्षरा, गिरजा, नक्श, बाऊजी और दादाजी से मैंने फोन पे बात कर ली है, वो लोग ऑफिस से सीधा वहीं आ जाएंगे। आपने घर में सबको बता दिया? हाँ सबको बता दिया, और सब टाइम से आ भी जाएंगे। गुड, अब चलिए तैयारियां कर ले। हाँ चलो चलो। ये तो बहुत अच्छा सोचा शौर्य और जमाई सारे, अक्षरा बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, शौर्य कह रहा था कि उसके बाऊजी और देवर जी सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, और हमें तैयार रहने के लिए कहा इस समय से, ताकि हम अक्षरा के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएं। हम अभी तैयार हो जाते हैं दीदी। नहीं छोटी, पहले वो तोहफे निकाल लें जो उस दिन अक्षरा को दे नहीं पाए थे। मैं प्यार से एक एक चीज लाया है शौर्य अपनी बहन के लिए। आज उसे मौका मिलेगा वो सब करने का जो उस दिन नहीं कर पाया। बाल गोपाल, आज सब अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा ही होगा बड़ी बहू, देखना। अब तुम चिंता मत करो, और देखो ना दो दो जश्न है, एक तो अक्षरा के जन्मदिन का और दूसरा शौर्य और जमाईसा के एक होने का। हाँ वाह। छोटी अंशु कहाँ है, जरा उसे बुला दो। मैं और अंशु मिलकर अक्षरा की सारी मनपसंद चीजें बनाएंगे जो उस दिन भी बनाई थी। अंशु मैं आऊँ बड़ी माँ, चलिए चल। शौर्य भैया इसे कहाँ रखा? यही रख दो, बुला बाकी काम देखो जाके। जी जी जल्दी। हाँ सब काम पूरा होना चाहिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। दादू ये बहुत, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आउटडोर बर्थडे पार्टी, बड़ा मजा आएगा। अंशु सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चौकीदार मान गया। मैंने उसे वादा किया कि हम लोग बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। हाँ दादू, और सारा कचरा उठाकर एकदम जगह साफ करके जाएंगे। पक्का। हमारे लायक भी कोई काम है तो बताइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप तो बस सबका मन बहलाइए, बाकी सब हो जाएगा।
काफी समय हो गया वर्षा नहीं आई अब तक। अब तो अनन्या को भी भूख लगी होगी। देखेगा दीदी, आते ही अनन्या चीकू के साथ खेलने लगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जीते रहो। इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कर ली? दादाजी ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया, जमाई साहब और मैंने मिलके किया। अरे वाह, तन्ने तो साबित कर दिया कि एक और एक 11 हो गए। वैसे दादाजी एक तो यहाँ है, बाकी के 10 कहाँ है? अरे 10 मतलब नेते। हमें यहाँ बुला के खुद पता नहीं कहाँ गायब है, बताइए। जी वो केक लेने गए, बस आते होंगे। अरे तो हमें बता दिया होगा, हम ले आते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्ते जमाई साहब। सुनी कौन आया? राधे कृष्ण। नमस्कार। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत अच्छा हुआ आप समय निकाल के आ पाई। हाँ। भाई साहब उनका ना कोर्ट में थोड़ा सा जरूरी केस चल रहा है, इसलिए नहीं आ सके। अच्छा। हमें बहुत देर तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं आंटी, आप बिल्कुल टाइम से आई हैं। अक्षरा नहीं आई? मुन्ना लाएगा ना बहू को, तो हम तो सीधा मंदिर से आ। हाँ। लेकिन वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? नहीं बेटा, मुन्ना ने तो हमें खास मना किया है कि बहू को कुछ नहीं बताना। अच्छा, पर मुझे तो कहा था कि। नहीं नहीं शौजा, चिंता मत करो, मेरी बात हुई है मुन्ना से, मुन्ना ही बहू को लेकर आएगा। गिरिजा ले लल्ला को लेकर आराम से बैठ। हाँ, सारे खिलौने निकाल लेना, ये ले इसको संभाल के रखना वरना रोएगा। माँ। हाय जीजू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अकेली आई बेटा, कोई और नहीं आया साथ में? माँ वो निखिल को मीटिंग के लिए जाना था और मॉम डैड को किसी फ्रेंड के फंक्शन के लिए, उन्होंने सॉरी कहा है। चलो कोई बात नहीं, आप तो बिजी नहीं हो ना? अच्छा अब मेरे हिसाब से बर्थडे गर्ल को बुला लेना चाहिए। है? क्या है ना, बादलों की टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पड़ सकते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्या है ना मेरी उनके साथ थोड़ी अच्छी इक्वेशन है। वेट भाई लोग, पार्टी के बाद बरसना, उसके पहले कोई नहीं बरसना चाहिए। हाँ अब नहीं बरसेंगे। जमाई साहब अच्छे से बोल देना, कहीं माउंट अबू के जैसे ना हो जाए, पहले ही बरसे थे और हमें खेल बंद करना पड़ा था। अरे भाभी माँ आप माउंट अबू की याद मत दिलाइए, वहाँ तो भाई बड़ा मजा आया था। हाँ काका, वहाँ तो फिर से जाने का मन कर रहा है। मारे को तो मुन्ना और नंदिनी के बचपन की एक बात याद आ गई। हरे को याद आने राजबन्ना, एक बार बच्चों के स्कूल वाले इनको पिकनिक में ले गए थे और गायत्री जी उस दिन बच्चों को सुबह छोड़ने गई थी, शाम को लौटी। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि गायत्री जी को ऐसा लगा यदि चार बड़े घर में दो बच्चे नहीं संभाल पाते तो भला चार अध्यापक 40 बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। और चली गई। जी वो गलत तो नहीं किया मैंने, आप भी तो ऐसा ही करते। सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। मैम अक्षरा कहाँ है? यही तो मैं थारे से पूछने वाला था कि बहू कहाँ है। और मैम वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? नहीं तो तूने ही तो कहा था बहू को कुछ ना बताए। हाँ पर लाना तो आपको था ना, मैंने कहा था ना मंदिर से सीधा यहीं आ जाइए। हाँ तो मंदिर से सीधे यहीं आए हैं। लेकिन अब अक्षरा माँ मुझे लगा कि वो आपके साथ है। अब, नहीं नहीं मुन्ना हम लोग तो मंदिर गए थे, बहू तो घर पे है ना बेटा। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, मैंने तो वही किया जो तूने कहा। मैम अरे खड़े खड़े के कर रहा है, जा जल्दी जल्दी जाके बहू को लेके आ जा, हम सब यहीं पे है और बहू वहाँ पे अकेली। नैतिक जी जल्दी से जाके भाभी को ले आइए, वरना कहीं भाभी के आने के पहले पकौड़े खा लिए ना तो हजम नहीं होंगे। मैं बस अभी लेकर आया जल्दी से। अरे नैतिक जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस अभी आया। अब जाइए। कमाल ही होगी, जिनके लिए पार्टी है उनका पता ही नहीं है। अक्षर कितना परेशान हो गई होगी। लगता है आगे
कड़ी खंबा बींदनी। राधे कृष्ण जी कहिए। दद्दा जी घर में है? अब दद्दा जी तो घर पे नहीं है, दफ्तर गए हैं, अभी आते ही होंगे। कुछ काम था क्या? उन्होंने मन्ने बुलाया था काम के वास्ते। तो मुझे बताइए क्या काम है? काम तो मन्ने थारे से है बींदड़ी जी, कहिए। जे हरी रंग की साड़ी घनी चोखी लागे है थारे। साची? हाँ, थारे बीन ने कभी कहा नहीं थारे से? कहा? उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, धनी कहाँ खोए रहते हैं दिन भर। खैर वो सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या काम है मुझसे? जब से थारे को देखा है मारे मन का तो जैसे चैन खो गया है, दिन रात थारा ही ख्याल आवे है मन में। आपने मुझे कब देखा? जब थारी शादी बिना हुई थी तब से जानू हूँ मैं तन्ने। बस उस दिन से मारे सपनों की रानी है तू, मारी प्रेम कहानी है तू। साची? हाँ। तो फिर आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? आज आया हूं ना थारे पास, तन्ने साथ ले जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना प्यार करूंगा थारे को कि सबको भूल जाएगी। साची? अक्षरा, आपने आपने एक अनजान आदमी को किस किया? मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे आप हंस रही हैं? नैतिक बस खत्म हो गया आपका नाटक। आपको क्या लगा कि मैं आपको पहचानूंगी नहीं? आप चाहे कितने भी रूप क्यों ना बदल लें, मैं आपको पहचान ही लूंगी, क्योंकि मैं आपको इन आंखों से नहीं मन की आंखों से पहचानती हूँ। समझे? समझा, अभी बताता हूँ। मर गए। क्या हुआ? अरे माँ भाभी माँ वो कितना टाइम हो गया, माँ भाभी माँ अभी तक आए नहीं। नैतिक बहुत देर हो गया, आप जरा फोन करके पूछिए उनसे, मैं आपके लिए कुछ लिख। अरे नहीं नहीं, अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा आप मेरे साथ चलिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। आई अरे कहाँ चलूँ, क्या हो गया आपको अचानक से? अब अच्छा प्लीज ज्यादा सवाल मत पूछिए, आप चलिए मेरे साथ। नैतिक माँ भाभी माँ कभी भी आ सकते हैं, डुगू को भी गए काफी टाइम हो गया। अरे उनके आने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। प्लीज अभी आइए ना, जल्दी कीजिए। नैतिक ऐसे कैसे जाएंगे, कम से कम चेंज तो कर ले, और आप ऐसे जाएंगे? चलिए आइए जल्दी आइए। जमाई साहब आज आप बहुत चुपचाप हैं, कोई खेलना खेलेंगे जैसे आपने खेला था माउंट आबू में? हाँ दादाजी, नेकी और पूछ पूछ बताइए क्या खेलना चाहते हैं? छुपन छुपाई खेलेंगे, अंताक्षरी, पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गेम से पहले अनन्या आपको कुछ करके दिखाएगी। चलो अनन्या अपनी लाइन बोलो बेटा। अनन्या बोलो बेटा। बोलो बेटा। हाँ बोलो ना मेरा बच्चा, स्कूल में भी आपको ये सब करके दिखाना है ना? हाँ शाबाश, चल शुरू हो जाओ। ऐसे यस, नैतिक आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं ये? इतनी भी क्या जल्दी, चलिए। एक जरूरी फोन है, मैं भी आया। हेलो माँ, बस हम पहुंचे गए हैं, गार्डन के बाहर है। हाँ ओके। हेलो जी गुप्ता जी। ए, रुक, ए, रुक रुक, भागती किधर है? चोरनी कहीं की फल चुराती है, रुक 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 रुक। अच्छा क्या मैडम, आपने इसे पकड़ लिया?
आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, अरे इसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। हल चुरा कर भागी है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और आपने भी ऐसे अचानक से आ गए ना, तो कहाँ था आपका ध्यान? कहीं नहीं, हो गया आपका फोन कॉल? हाँ, वो एक दो कॉल्स आ गए थे, इसे थोड़ा टाइम लग गया। आइए अंदर। हाँ हाँ, आइए चलिए। तो अब माँ, ये नैतिक कब आएगा? मोहित, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगा नैतिक। अरे पिछले एक घंटे से इतने बढ़िया खाने की खुशबू नाक में जा रही है, पेट में कब जाएगी? अरे ये केक पे कैंडल वैंडल तो ठीक से लगाओ अंशु। नैतिक अब तो बताइए क्या बात है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वहाँ माँ भाभी माना डुगू को लेकर घर पहुँच गए होंगे और मैं वो लेकर। थोड़ी देर के लिए आप घर हो, वो सारी बातें भूल जाइए प्लीज। हाँ आइए ना मेरे साथ। और वो देखिए, लीजिए दादू, आ गई आपकी बर्थडे गर्ल। वेलकम वेलकम वेलकम। ये सब क्या है? अक्षरा, आपके पास आपके किसी भी जन्मदिन की अच्छी याद ना हो, ऐसा मैं, ऐसा हम होने दे सकते हैं क्या? क्यों दादू? उस दिन के लिए सॉरी अक्षरा। इसीलिए मैंने और दादू ने मिलकर आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे अक्षरा। क्यों बहू, देख लल्ला भी तुझे बधाई देना चाहता है। भाभी अब जल्दी से केक काट दीजिए, क्या है ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो 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 आओ। क्या हुआ अक्षरा? आज हम वो सब करेंगे जो उस दिन नहीं कर पाए थे। नैतिक, दादू आप लोग भी आइए ना। उस दिन सिर्फ मेरे जन्मदिन की खुशी नहीं थी बल्कि आप दोनों के टारगेट अचीव करने की भी खुशी थी, तो चलिए आज ये डबल सेलिब्रेशन एक साथ तीनों केक काट के मनाते हैं। विशिंदर, अरे को याद है ना मैंने उस दिन कहा था, जिस दिन दोनों छोरे एक हो जाएंगे उस दिन मैं अपने हाथों से सबका मुंह मीठा कर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।